बात यह है कि इस प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला हुआ, लगातार नर्सिंग के परिवार के लगभग 4 लाख से ऊपर खासकर एसटी आदिवासी परिवार की बहनें बेटियां जिन्होंने पेट काट काट कर फीस भर दी, पर पता नहीं उस जो उन्होंने जिस कॉलेज की फीस भरी उसका होगा क्या। सरकार कितनी दिशाहीन है कि बता नहीं पा रही है कि नर्सिंग के छात्रों का आगे भविष्य क्या होगा, बता नहीं पा रही है कि जो मंत्री जिसके कार्यकाल में करप्शन हुआ उससे कैसे सरकार निपटेगी, कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है बताई नहीं। जो सीबीआई अधिकारी आए थे वो भी करप्ट निकले। ऐसा प्रदेश जिसने व्यापम का कलंक लगाया, ऐसा प्रदेश जिसने पटवारी घोटाले का कलंक लगाया, ऐसा प्रदेश जिसने लगातार एक भी एग्जाम ऐसी नहीं जिसके पेपर लीक न होते हो, ऐसा प्रदेश जिसमें लगातार घपले और घोटालों की एक पूरी लंबी लिस्ट बना दी हो, काला कर दिया मध्य प्रदेश के भविष्य को। साथियों, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी या तो इनसे निपटना नहीं चाहते हैं या खुद ऐसे करप्शन और भ्रष्टाचार युवाओं के अगेंस्ट, छात्रों के अगेंस्ट उनकी पार्टी और उनका विचार करवाता है। अगर नरेंद्र मोदी की नियत में खोट नहीं होती तो जैसा अभी उमंग सिंघार जी ने कहा, प्रदीप जोशी ये एबीवीपी के कार्यकर्ता थे और यहाँ मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में इनकी नौकरी लगी, फिर यहाँ से यूपीएससी के पीएससी के प्रदेश के हमारे चेयरमैन बने, यहाँ से फिर छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन बने, फिर यूपीएससी में सबसे बड़ा ओहदा इनको मिला और अभी ये नीट और नेट के एग्जाम का जो सबसे बड़ा अभियुक्त है वो इनका ही विभाग है जिसमें ये चेयरमैन है। साथियों, अगर नरेंद्र मोदी जी थोड़ी सी ईमानदारी होती तो प्रदीप जोशी से इस्तीफा तो लेते, जांच के दायरे में तो डालते, पर नहीं डाला। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव बीजेपी के संरक्षण में युवाओं के भविष्य का कत्ल होता है। साथियों, बहुत अच्छा नारा निकाला जो सदन में भी लगा था और फिर आज इस मंच से हेमंत ने आप लोगों को लगवाया है, मोहन यादव पर कौन है भारी, फिर से मोहन यादव पे कौन है भारी। बात यह है कि इस प्रदेश में नर्सिंग का घोटाला हुआ, लगातार नर्सिंग के परिवार के लगभग 4 लाख से ऊपर खासकर एसटी आदिवासी परिवार की बहनें बेटियां जिन्होंने पेट काट काट कर फीस भर दी, पर पता नहीं उस जो उन्होंने जिस कॉलेज की फीस भरी उसका होगा क्या। सरकार कितनी दिशाहीन है कि बता नहीं पा रही है कि नर्सिंग के छात्रों का आगे भविष्य क्या होगा, बता नहीं पा रही है कि जो मंत्री जिसके कार्यकाल में करप्शन हुआ उससे कैसे सरकार निपटेगी, कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है बताई नहीं। जो सीबीआई अधिकारी आए थे वो भी करप्ट निकले। ऐसा प्रदेश जिसने व्यापम का कलंक लगाया, ऐसा प्रदेश जिसने पटवारी घोटाले का कलंक लगाया, ऐसा प्रदेश जिसने लगातार एक भी एग्जाम ऐसी नहीं जिसके पेपर लीक न होते हो, ऐसा प्रदेश जिसमें लगातार घपले और घोटालों की एक पूरी लंबी लिस्ट बना दी हो, काला कर दिया मध्य प्रदेश के भविष्य को। साथियों, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी या तो इनसे निपटना नहीं चाहते हैं या खुद ऐसे करप्शन और भ्रष्टाचार युवाओं के अगेंस्ट, छात्रों के अगेंस्ट उनकी पार्टी और उनका विचार करवाता है। अगर नरेंद्र मोदी की नियत में खोट नहीं होती तो जैसा अभी उमंग सिंघार जी ने कहा, प्रदीप जोशी ये एबीवीपी के कार्यकर्ता थे
और यहाँ मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में इनकी नौकरी लगी। फिर यहाँ से यूपीएससी के पीएससी के प्रदेश के हमारे चेयरमैन बने, यहाँ से फिर छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन बने, फिर यूपीएससी में सबसे बड़ा ओहदा इनको मिला और अभी ये नीट और नेट के एग्जाम का जो सबसे बड़ा अभियुक्त है वो इनका ही विभाग है जिसमें ये चेयरमैन है। साथियों, अगर नरेंद्र मोदी जी थोड़ी सी ईमानदारी होती तो प्रदीप जोशी से इस्तीफा तो लेते, जांच के दायरे में तो डालते, पर नहीं डाला। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव, बीजेपी के संरक्षण में युवाओं के भविष्य का कत्ल होता है।